वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3.7 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3.7 हमारे सब्जेक्ट CFPS कंप्रेसिबल फ्लो एंड प्रोपल्जन सिस्टम के सब्जेक्ट से लिया गया है इसको। और जो बुक है हमारे पास इसकी, वो है हमारे पास गैस डायनेमिक्स बाय हलूक एक्सेल। इस क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ आपको। अ पार्टिकल इज मूविंग इन एयर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, द टू डिस्टर्बेंस स्फेयर क्रिएटेड एट ए एंड बी एज आर शोन, फाइंड मार्क नंबर एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास ये जो स्फेयर है ए, ये बड़े स्फेयर का नाम है ए और इस छोटे स्फेयर का नाम है बी। तो ये जो छोटा स्फेयर है बी, इसका जो रेडियस है वो है 2 मीटर और जो बड़ा जो स्फेयर है ए, उसका रेडियस हमारे पास है 6 मीटर। तो और ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये पार्टिकल इसका डिस्टेंस है बी वाले स्फेयर के सेंटर से एक्स तक का डिस्टेंस है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। और मार्क नंबर और वेलोसिटी, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है सवाल में, तो उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारे पास मार्क नंबर का फॉर्मूला होता है वी ओवर ए, वी कहलाता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और ए कहलाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं वेलोसिटी को इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डीपी क्यों आया, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी थी। और डिस्टेंस ऑफ साउंड कह लें या डिस्टेंस ऑफ वेव कह लें, तो वेव अपॉन डीटी। ये डीटी से ये डीटी कैंसिल हो गया और मार्क नंबर आ गया यहाँ पे डीपी अपॉन डीडब्ल्यू। ये जो डीपी है ये शो कर रहा है डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल, और ये शो कर रहा है डिस्टेंस मूव बाय वेव। तो दोस्तों इस डायग्राम से अब इनकी वैल्यूज़ निकाल के इस डायग्राम से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये जो डीपी है अगर हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए स्फीयर की बात की जाए, ए स्फीयर की अगर बात करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर पार्टिकल तक का डिस्टेंस ये ऊपर रखेंगे और नीचे जो है वो रेडियस, ये रेडियस है इस स्फीयर का वो रखेंगे। तो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हमारे पास, 2 + x, ये रहेगा 2 + x और अपॉन 6। तो हमने लिख लिया यहाँ पे अपॉन 6, हमने इसको इक्वेशन 1 बना दिया, मतलब m = 2 + x / 6। इसी तरह अगर हम बी स्फीयर की बात करेंगे तो बी स्फीयर में क्या है, इसके सेंटर से लेकर पार्टिकल तक का डिस्टेंस वो क्या हमारे पास x, तो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 2। तो हमने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब मार्क नंबर दोनों के सेम है तो हमने इसको क्या करना है, कंपेयर कराना है। कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंपेयर कराएंगे तो ये जाएगा 2 + x / 6 = x / 2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा हमारे पास 6x। उस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के ये जो इक्वेशन है हमारे पास 1 में या 2 में जो आसान लग रही है उसमें आप पुट कर दें तो मार्क नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास हमने इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास m = 1/2। तो मार्क नंबर की वैल्यू 1/2 कह लें या फिर m = 0.5 कह लें, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और अगर वेलोसिटी को फाइंड करने जाना है तो वेलोसिटी किस तरह निकालेंगे हम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास v = ma, और m तो पता है हमें, m ऐसी रखेंगे यहाँ पर, और a की जो वैल्यू होती है वो होती है γRt। m की वैल्यू क्या हमारे पास 0.5 और गैमा की वैल्यू होती है 1.4, आर की वैल्यू होती है 287 मल्टीप्लाई बाई, और ये जो टी है यहाँ पर, ये जो टी है ये सवाल में हमारे पास गिवन था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दें और ये आप पुट करिएगा केल्विन में,
तो 15 वो डिग्री सेंटीग्रेड था, तो आप केल्विन में 273 ऐड करवा कर पुट कर दें तो वी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 170 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हमने इस तरह मॉक नंबर और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमने निकाल ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल एजुकेशन सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।